Hello to all my dear students. Today we'll begin with very simple topic of English grammar. Today's topic is verbs. Now my dear students, as you all know, verbs are also called action words and doing words. In the previous class you have studied action words and doing words. Now we will call action words and doing words as verbs. Let's read out the definition. A word that tells what a person, an animal, or a thing does is called verb. Now, in a sentence, when you read out a sentence, जब भी आप कोई sentence read करोगे, उसमें जो word होगा, जो भी action word होगा या doing word होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि sentence में क्या हो रहा है, वो word को हम क्या बोलते हैं? Verbs. अब कुछ ऐसे वर्ड्स को हम रीड करेंगे. लेट्स रीड आउट सम वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, विच विल हेल्प यू टू नो द वर्ब्स. नाउ दिस वर्ड्स आर रीड, राइट, फ्लाई, बार्क, लाफ, पेंट, गिव, टेक, ईट, ड्रिंक, जंप, वॉक. ये सारे वर्ड से आपको पता चलता है ना, एक्शन हो रहा है कुछ, कुछ डूइंग वर्ड है, एक्शन हो रहा है. तो ये सारे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? वर्ब्स. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. लिटिल एलिफेंट वॉक्स ओवर टू सम ट्रीज. इन दिस सेंटेंस वॉक्स, लिटिल एलिफेंट क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है. The word walks tells us what little elephant do. आपको walk से पता चला कि little elephant क्या कर रहा है. तो walk word क्या है? Action word, doing word, verbs बोलेंगे इसको. Verb है ये? Yes. Similarly, next, let's circle the verb. The children play in the garden. Children क्या कर रहे हैं? Play. प्ले क्या है? वर्ब. नेक्स्ट, डू नॉट ईट दिस फ्रूट. फ्रूट को क्या नहीं करना है? ईट नहीं करना है. तो ईट इज वर्ब. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सिंपल टॉपिक ऑफ वर्ब. कीप रिवाइजिंग.